बहुत जल्दी दीदी की शादी होने वाली है गढ़वाल से। मीनू तो वहाँ से लाना है, तेरे मम्मी पापा को थैंक यू बोल देना। छोटी सी जिंदगी है, इसी तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। पापा जी के लिए मैं बना रहा हूँ रोटियाँ। एक दिन जीना, एक दिन मरना। मेरे नजारा इष्ट देवताओं को पूज रहे हो, धार्मिक चीजें होती है। यहाँ मेरा काम है तो मछाना पूजना होगा तभी जाके। सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम। और आज सुबह के मौसम की बात करी जाए तो प्यारी प्यारी धूप तो आई है, लेकिन पहाड़ों में इतने सारे बादल छाए हैं, आसमान नीला भी हो रखा है। तो कुछ महीने पहले यार मेरी शादी हुई थी गढ़वाल से, फिर से एक और नई खुशखबरी मिल रही है भाई। गढ़वाल से जो है मेरी दीदी की भी शादी होने। पहले तो दीदी कांग्रेचुलेशन। बहुत जल्दी दीदी की शादी होने वाली है गढ़वाल से, जहाँ पर हमारे मैडम जी का मायका है ना, वहीं से शादी आने वाली है हमारे गाँव में। पहले तो आपको बधाई हो, और शादी 12-13 तारीख को है ना। हाँ, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, मेरे बड़े पापा जी है ना, उनकी सबसे बड़ी बेटी है। रोगे नहीं रोगे शादी में? नहीं रोगे? अच्छा, लव मैरिज है। तो भाई अभी दीदी जी इतनी खुश हो रही है, उनकी शादी भी होने वाली है। आंखें बंद आ रही है। क्यों आ रही बंद? कोई नहीं, अच्छे आ रहे हो ना। ये भगवान वीडियो बनाने नहीं दे रहे। ये बताओ सिर्फ, आप बताओ शादी में रोगे नहीं रोगे? क्यों नहीं रोगे? बड़ी मम्मी रोएगी तो? आप नहीं रोगे? यहाँ तो देखो लव मैरिज है अरेंज। लव मैरिज? अच्छा, आप भी करते हो प्यार? मुझे तो पता, आप तो इतने सीधे साधे थे, प्यार कब से कर बैठे? अभी गढ़वाल इतने साल का रिलेशन था, 10 साल, 5-6 साल, मेरे से भी ज्यादा। मेरा 4 साल का प्यार था, इनका 6 साल का प्यार था, और आज आके पता चल रहा है बड़ी मम्मी लोगों के पास आ गया। और उनके पहाड़ी मकान में देखो भाई, दरवाजे की सीढ़ियों में देखो, पूरा लाल मिट्टी से पोता गया है। बड़ी मम्मी आज देवता पूज रहे हो? और नहा धो के भी हमारी बड़ी मम्मी रेडी हो चुकी है। अच्छा, अपने इष्ट देवताओं को पूज रहे हो? इष्ट देवता को वो पूजता हूँ। दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने इष्ट देवताओं को अनाज चढ़ाया था, नया अनाज चढ़ाया था, तो पूरी लिपाई पोताई करती, ठीक उसी प्रकार हमारे बड़ी मम्मी ने भी अपने पहाड़ी मकान में देखो भाई, अभी सीढ़ियों में, जिसे हम लोग पहाड़ी भाषा में गौन कहते हैं, तो गौन में पूरे लाल मिट्टी से पोताई कर रखी है। तो ये पहाड़ की जो है एक धार्मिक चीज होती है। 7-8 परिवार। अच्छा, तो 7-8 परिवार एक साथ होंगे, तो 7-8 परिवार आज भी पूजा पाठ करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, आज हमारी बड़ी मम्मी कैसी लग रही है, पुराने जमाने का माला। पुराने जमाने का माला, तब तो पुराने जमाने जो ये पैसे टाइप के दिख रहे, 25 पैसा, तब ये 1 रुपए का सामान होता था ना। हाँ, अब तो इसका कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन पुरानी यादें सबसे बढ़िया है। मेरी भाभी माँ भी मिल गई है। भाभी माँ आज यहाँ कुछ काम काज? यहाँ मेरा काम है, काम की लिए आया हूँ। जगह पास वहाँ मेरा देवता पूछना है, जब आप बेटी जी का मशाना पूजना होगा। हाँ, तो मशाना पूजना होगा तभी जाके यहाँ पर आए हैं। अभी नहीं मिले? नहीं मिले। रामगंगा का मशाना लग गया कह रहे हैं। बकरी दे रहे हो या मुर्गी? मुर्गी, मुर्गी ला रही हूँ। सफेद या काला? सफेद। भाभी जी की स्माइल देखो कितनी प्यारी है। दांत तो नहीं है, लेकिन आंत तो है। हम तो पहाड़ी हैं, और पहाड़ी लोगों को मशान तो लगता है। इसको मशान नहीं लगाया ना भाई, वो पहाड़ी नहीं हो सकता। मतलब सबको मशान लगता है भाई। भाभी जी को थोड़ा बहुत प्लम देता है, ये लो अब दांत से खाना। हाँ, अच्छा, मुँह से खाऊंगी, दांत से खाऊंगी। किससे खाओगे? मुँह से, दांत से खाऊंगी। हाँ, ये लो फिर, ये लो। पुलम पके हुए थे हमारे पेड़ों में, आजकल के सीजन में बहुत ज्यादा पुलम होते, तो हमने दे दिया। मेरी प्यारी बड़ी मम्मी बन ठन के जाने लगी है मंदिर की तरफ। बाय बड़ी मम्मी। बाय। लोटा छेद हो गया है, कलता ढूंढ रही हमारी दीदी, लगा लो। साथ ही यहाँ पर अपने दीदी का घर, यहाँ पर हमारे बड़े ताऊजी लोगों का मकान है। लोटा थोड़ा बहुत छेद हो गया ना, तो पहाड़ी तरीके से हम लोग इसको पूरा अभी सही कर रहे हैं। कोल तार लगा रखा है इसमें, अब सही हो जाएगा। हाँ, फिर पानी बाहर नहीं आएगा। आ रहा थी पानी बाहर? पानी इतना नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा है। पूरा लोटा सही कर दिया है। मेरे बहू ने मेरे लिए ये मैगी बनाया है। आजकल आपका मन क्यों करता था मैगी खाने का बुढ़ापे में? पता नहीं, दान नहीं है ना। अभी दोस्तों दादी जी बहुत बुजुर्ग है ना, तो बुढ़ापे में इनको जो मन करता खाने का भाई खिलाना चाहिए, क्योंकि ना हम आप तो बुजुर्ग, बुढ़ापा लास्ट एज हुआ ना। मेरे मीनू कब जला, ये क्या करना नहीं है? मैगी मैगी। मेरे मीनू ना लगाना यहाँ माना। अम्मा को अगर एक मौका मिल जाए ना दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़े सिंगर रहेगी पहाड़ी वाली। भबरन है जानो या पहाड़ लाग जार। क्या आवाज है। बहुत बड़ी आवाज, पटी बोरा आवाज। मीनू तो वहाँ से क्या लाना है, तेरे मम्मी पापा को थैंक यू बोल देना, उसने मेरे लिए जूस भेजा यहाँ। तब तो मेरे लिए
रूस भेज देना कहना हेड़ो ख्या धाना बया मल पात मस ए पाले मेरे नारा ए मडुआ उमी बोले ना जानो बहरिया तुम्हें मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मेरा गला का आवाज भी नहीं है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, खाली मजाक कर रही हूँ बच्चों के साथ। नाना लेकिन बहुत अच्छा गाया आपको, पूरी YouTube फैमिली बहुत प्यार करती है, अम्मा कोई नहीं उड़ाएगा आपका मजाक, सब देखना अभी कमेंट बॉक्स में बोलेंगे अम्मा ने बहुत अच्छा गाना गाया, कमेंट ऐसा कर देना अम्मा ने अच्छा गाना गाया था प्लीज। कल दीदी लोग जाने वाले हैं हल्द्वानी, तो बहुत सारे आलू निकाल दिए हैं और हम लोगों ने भी दिया था। पुलम के पेड़ में एक पक्षी आई है जिसका चोंच बहुत ज्यादा लंबा होता है और जीभ तो बहुत ज्यादा लंबा, तो इसे हम लोग अपने स्थानीय भाषा में, अपने गांव के भाषा में कटघोड़ी कहते हैं और हिंदी भाषा में तो इसे कटफोड़वा कहते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों में छेद टाइप के करते हैं, तो पुलम पक्के लाल हो चुके हैं, तो देखो भाई किस प्रकार से पुलम को खाने में लगा पड़ा है। तो बड़े मम्मी लोग आ गए हैं पूजा पाठ करके, सर पे यहाँ पर फूल रखना पड़ता है। ऐसा रहा पूजा पाठ? अच्छा रहा। इस बार कौन थे पुजारी? पुजारी ये लोग हैं। आपके मिस्टर जी थे? हमारा मिस्टर जी। पूरी बनाया बेटा, पूरी खाया, तेरे को खिलाता हूँ मैं ये पूरी। अच्छा बेटा, ले बेटा मेरे तरफ से खाना। सोगुन कहते हैं इसको, सोगुन। धन्यवाद बेटा, और सभी परिवार को भी बांटना पड़ेगा अभी। सभी परिवार को बांटना पड़ेगा, ये पहाड़ी रीति रिवाज है। बड़ी माँ लोग भी आ गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा अपने इष्ट देवताओं को नया अनाज चढ़ा रहे थे, वो कढ़ाई भी लेके आ गए और ये आटा गूंदने वाले भी लेके आ गए हैं। तो सही रहा पूजा पाठ? बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा नया अनाज चढ़ा दिया? नया गेहूँ चढ़ा दिया। ये बहुत मस्त लग रहा है। चाचा जी भी आ गए। चाचा क्या काम चल रहा है होम स्टे में? बस डाइनिंग हॉल में फर्श जा रहा है। अच्छा क्या चलता है, खड़म चलता डाल के और क्या होता? मिस्त्री का काम पूरा आता है? थोड़ा आता ही, फिर क्या करें जो कराते हैं तो वो कर ही लेते हैं। तो दिन में खाना बन चुका था अभी दोबारा, क्योंकि चाचा लोग काम कर रहे थे वहाँ पर होम स्टे में ना, हमारे यहाँ पर लोग जो काम करने के लिए आते ना तो उनको खाना भी खिलाया जाता है। और देखते देखते देखो मक्के के जो पौधे हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। होम स्टे में एक फूल अलग प्रकार का देखने को मिल रहा है, सामने है तो ये लेमन लिली कह रही है मम्मी जी, मगर एक ही दिन खिल रहा है, आज खिलाना है कल खत्म हो जाएगा, सड़ जा रहा है। अच्छा एक बार खुल रहा है फिर खिल रहा है और सड़ जा रहा है? एक दिन का फूल है ये। इस फूल से हमको एक सीख मिलता है कि संसार में, दुनिया में कुछ भी नहीं है, एक दिन जीना है एक दिन मरना है। तो कितना सुंदर लग रहा, नहीं लग रहा? कल नहीं दिखेगा, कल का वीडियो बनाना, कल देखना। पापा बोल रहे हैं कि सड़ा फूल है। तो गलत कह रहे ना पापा, इस फूल का कहने का मतलब है कि छोटी सी जिंदगी है, तो इसी तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो और छोटी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हम लोग हमारे गांव में जो रोड कट रही है ना आजकल वाले रोड में घूम रहे हैं, और रोड मतलब थोड़े जगह जगह पर पूरा खराब हो रहा है क्योंकि कच्ची सड़क है ना। उपजाऊ खेतों में ही रोड आया है ना भाई, तो गुरुस के पौधे देखो किस प्रकार से पूरे लगे हुए हैं, और आधा पूरा यहाँ पर एक गुरुस की खेती करी गई थी लेकिन इसमें रोड आ गया है तो विकास का विनाश भी हो गया भाई। तो अभी हमारी भाभी जी देखो भाई पूरे घास को काट रही है अभी अपने पशुओं के लिए, आजकल हरा भरा टाइम है ना, हरा भरा पौधे हैं, घास हैं, तो इनको सभी पशुओं को देंगे ये तभी जाके। तो देखो भाई इतनी ज़्यादा मेहनती होती है, पहाड़ की महिलाएं दरांती से पूरा घास काटने में लगी पड़ी हैं। हमारी भाभी जी और अम्मा दोनों ही अम्मा के खेतों में अभी पूरा ग्रूस को यहाँ पर गोड़े हैं। अच्छा अम्मा कह रही कि बुजुर्ग औरत है और माठू माठ गोड़ रहे हैं कह रहे हूँ। यहाँ पर दोस्तों अभी ग्रूस की खेती करी जा रही है, आधा खेत तो पूरा रोड के कारण चले गया है, रोड बन गया, उसमें थोड़े बहुत खेती बची है। पूरा आपको ये देखो भाई एकदम बुग्याल जैसा लग रहा होगा लेकिन इसी को छानना है, इसमें से गुरुज के पौधे को ही रखना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है यहाँ पे यार। लगा लो हमारी दादी अभी इतनी ज्यादा बुजुर्ग, अब वो कितने साल लगा तिमने? अब तारी पता 60 साल झोली, अब बजिए झोल। तो भाई 60 साल के दादी फिर भी देखो पूरा गोड़ना आपके कौन?
हाँ खेतों में अभी भी गुड़ाई कर रहे हैं। तो अभी मैं जंगली पौधा लेके आया हूँ, इसको लगा लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट फल लगते हैं, तो घर वालों को बिना बताए मैं लगा रहा हूँ, वरना नहीं लगाने देंगे। बाद में आपको दिखाऊंगा जिसमें फल लगेंगे तो ये क्या चीज है। रोटी बना रहे हैं राहुल, आज सब्जी भी राहुल ने बनाई है। शाम का समय हो गया और पापा जी के लिए मैं बना रहा हूँ रोटियाँ। पहाड़ी तरीके से भी यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही हैं। तो शाम हो गई दोस्तों, और काफी अच्छी खुशखबरी आज सुनने को मिली थी। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को।